गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा अब परमुटेशन की एक और टाइप है। क्या कहता है? टू फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ या परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। आपने एन ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट करना है। टेकिंग ऑल एट ए टाइम, सारे के सारे साथ लेने हैं, जिसके अंदर इन विच पी आर अलाइक ऑफ वन काइंड। जो n ऑब्जेक्ट हैं उनमें से p ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं, q ऑब्जेक्ट दूसरी टाइप के हैं, और r जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक और तीसरी टाइप के हैं। तो उन n ऑब्जेक्ट्स का हम कितने तरीके से अरेंजमेंट करेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल इंटू में q फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, ये टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगे। देखिए क्या कहता है, जैसे कि आपके पास क्या आता है, थ्री ब्लू बॉल्स विच आर आइडेंटिकल, फोर रेड बॉल्स आइडेंटिकल, फाइव ग्रीन बॉल्स आइडेंटिकल, इन हाउ मैनी वेज कैन दीज बॉल्स बी अरेंज्ड। तो देखिए थ्री बॉल्स हैं आपके पास, ब्लू हैं जो कि आइडेंटिकल है, तो ब्लू 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 एक जैसी हैं आपके पास। उसके बाद चार ग्रीन रेड हैं, उसके बाद पाँच ग्रीन बॉल। तो वैसे देखा जाए अगर इनको हम अलग अलग लिख दे, अगर ये अलग अलग बॉल होती तो थ्री ब्लू बॉल्स ऐसे होती, रेड आपके पास वन टू थ्री फोर ऐसे होती, ग्रीन्स वन टू थ्री फोर ग्रीन बॉल ऐसे होती। तो बॉल टोटल आपके पास 12 बॉल हैं, तो इन 12 बॉलों को हम 12 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो जिसमें से ये जो 12 फैक्टोरियल हैं ये वो तरीके आएंगे, जिस जैसे एक तो ये तरीका हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने B2 ले लिया और यहाँ पर B1 ले लिया और बाकी सेम रख दिया, एक तरीका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, इन दो बॉल से ही बदल जाएगा। उसके बाद ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, फिर बदल जाएगा, फिर ये आपस में बदलेंगे, फिर सारे ऐसे इंटरचेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएगा, फिर दो चेंज हो जाएंगे, फिर तीन चेंज हो जाएंगे, फिर पाँच, फिर दस, फिर नौ, आठ, ग्यारह, सारे चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे करके टोटल अरेंजमेंट करते हैं तो 12 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बन जाते हैं। लेकिन यह कहता है जब ये तीनों बॉल एक जैसी हैं, ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी है, तो अगर इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये वही तरीका रह जाएगा। मान लीजिएगा ये बी, ये बी, ये बी है, तो ये भी बी है और ये भी बी है, तो ये तो एक ही तरीका रह गया, कम हो गए। तो कितने आपके पास टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगे? जितनी एक टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये पी एलिमेंट एक टाइप के हैं, ये क्यू एलिमेंट एक टाइप के हैं, ये आर एलिमेंट एक टाइप के हैं, तो ये थ्री एलिमेंट्स है तो थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ये फोर एलिमेंट है तो फोर फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ये फाइव एलिमेंट्स हैं तो इनको फाइव फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगे। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, 1, 3, 5, 7, 9 इन फाइव डिजिट्स का यूज करते हुए टू डिजिट नंबर आपने निकालने हैं, कितने होंगे? जब रिपीटेशन अलाउड है, तो जब रिपीटेशन अलाउड है तो आपके पास टू डिजिट नंबर के अंदर आपके पास टू डिजिट आएंगे, यहाँ पर एक और ये, तो इस स्थान को भरने की आपके पास कितनी च्वाइसेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5 च्वाइसेस हैं। ये स्थान फिलअप करने के लिए भी आपके पास 5 च्वाइस हैं, टोटल 25 तरीके हो जाएंगे। अगर रिपीटेशन नहीं होता तो इस स्थान को भरने के लिए आपके पास 5 च्वाइस होती, इस स्थान को भरने के लिए आपके पास 4 च्वाइस होती, टोटल 20 तरीके बन जाते। लेकिन जब रिपीटेशन है तो आपके पास 25 तरीके बन जाएंगे। ऐसे ही क्या कहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट का यूज करते हुए 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट नंबर आपने बनाना है तो इस स्थान को भरने के लिए आपके पास 6 च्वाइस हैं, इसको भी 6, इसको भी, इसको भी, टोटल 1296 तरीके आ जाएंगे। अब ऐसे ही आपके पास क्या कहता है, इन फाइव डिजिट्स का यूज करते हुए 3 डिजिट नंबर निकालना है। तो वैसे तो अगर पिछले हिसाब से चलते जाएं तो इस स्थान को भरने के लिए 5 च्वाइस, 1, 2, 3, 4, 5 इस स्थान को भरने के लिए 5, इस स्थान को भरने के लिए भी 5 तरीके हो जाते। लेकिन इस स्थान पर आपके पास, हम यहाँ पर जो डिजिट है वो 0 आ गई, पहले 0 नहीं थी, मतलब पहले ये 4 स्थान थे, इनमें से किसी पे कंडीशन नहीं थी, ये 2 स्थान थे, किसी पे कंडीशन नहीं थी, सिर्फ एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन था। रिपीटेशन तो यहाँ पर भी है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी कंडीशन आनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्या कंडीशन है
कि ये आपके पास ये जीरो होगी, ये इस प्लेस पे हम नहीं ले सकते, क्योंकि इस प्लेस पे अगर जीरो आ जाएगा तो ये थ्री डिजिट नंबर है, नहीं रहेगा। तो इस स्थान को भरने के लिए आपके पास ये चार ही चॉइस है। उसके बाद इस स्थान को भरने के लिए फिर पाँचों आ जाएंगे, इस स्थान को भरने के लिए फिर पाँच आ जाएंगे आपके पास, इतने तरीके आ जाएंगे। अगर इन डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होता तो इस स्थान को भरने के लिए चार चॉइस आ जाती, ये चार। उसके बाद इस स्थान को भरने के लिए आपके पास इनमें से एक कम हो जाता, तीन हो जाता, इनमें से कोई भी एक यहाँ पर आ गया तो तीन रह जाते, फिर जीरो शामिल हो जाता, चार। इस स्थान को भरने के लिए आपके पास तीन, 48 आपके पास तरीके बनते अगर इन डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होता तो। उसके बाद क्या कहता है, 1 2 3 4 3 2 1 आपके पास कितने डिजिट्स हैं, ये 2 4 6 7, इन 7 डिजिट्स का यूज करते हुए कितने आपके पास नंबर बन सकते हैं। तो टोटल आपके पास आ जाएगा, ये 7 डिजिट हैं तो 7 फैक्टोरियल, इसके अंदर रिपीट हो रहा है 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ट्वाइस, दो बार, तो कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल कम आ जाएंगे। उसके बाद 2 भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, उसके बाद 3 भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, टोटल अरेंजमेंट ये बनते। लेकिन हमें कौन से चाहिए, ओड डिजिट टेक्स ओड प्लेस, फिर कंडीशन लगा दी, तो हम कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। कहता है जो ओड डिजिट होंगी वो ओड प्लेस पे आनी चाहिए, तो ये 7 डिजिट है तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस बन जाएंगे। तो इन 7 प्लेस के ऊपर ओड प्लेस इनके अंदर कौन से होंगे, 1 2 3 4, ये चार आपके पास ओड प्लेस हैं, और डिजिट कितनी हैं, 1 2 3 4। तो इन चार स्थानों के ऊपर ये चार डिजिट आएंगे, कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल से। उसके बाद स्थान कितने बच गए, 1 2 3, तीन प्लेस बच गए और तीन डिजिट बच गई, उनको हम इतने तरीके से अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन जो रिपीट है, इन चार में से आपके पास ये दो बार रिपीट है और तीन दो बार रिपीट है, तो ये आपके पास 1 रिपीट है, ये 3 रिपीट है। बाकी इन जो तीन प्लेस पे आपके पास नंबर आने चाहिए, 2 4 2, इवन नंबर आने चाहिए, तो उनके अंदर 2 भी आपके पास दो बार रिपीट है, तो ये टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद क्या कहता है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 डिजिट का यूज करते हुए आपके पास टोटल नंबर निकालने हैं। तो इन 6 डिजिट का अगर यूज करते हैं तो टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगे आपके पास 6 फैक्टोरियल, अपॉन में ये रिपीट हो रहा है कितने बार है, 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये भी रिपीट हो रहा है कितने बार, ट्वाइस, तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन हमें कौन से चाहिए, ग्रेटर देन दिस, 3 लाख से ग्रेटर देन नंबर चाहिए। अब 3 लाख से बड़ा नंबर आपके पास क्या कहता है, इन डिजिट का यूज करना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्थान भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 प्लेसेस के ऊपर आपने लेने हैं कि 3 लाख से बड़ा नंबर आना चाहिए, तो इस स्थान को भरने कंडीशन लग जाएगी कि इस स्थान को भरने के लिए आपके पास एक ही च्वाइस है, यहाँ पर आपने 3 लेना पड़ेगा। जब यहाँ पर हम 3 लेंगे तो ही नंबर 3 लाख से ग्रेटर देन आएगा। तो इस स्थान को भरने के लिए आपके पास एक च्वाइस हो गई, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपके पास 1 2 3 4 5, उसके बाद 5 स्थान है आपके पास, 1 2 3 4, इन 5 जगह को हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से, 5 में से कोई भी ले सकते हैं। और इसके अंदर फिर रिपीट हो रहा है क्या, 1 कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 रिपीट हो रहा है कितने टाइम, ट्वाइस, इसको ट्वाइस डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, जो इंडिपेंडेंस वर्ड दे दिया, INDEPENDENCE, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 आपके पास लेटर यूज होंगे। तो इंडिपेंडेंस वर्ड के जो लेटर है उनका अरेंजमेंट करते हुए, टोटल 12 है, तो इनका हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, 12 फैक्टोरियल। लेकिन इसके अंदर देखते हैं, एन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, ये आपके पास 3 टाइम्स आया हुआ है, तो एन जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, या एन लेटर आपके पास एक ही टाइप के 3 लेटर हो गए। दूसरा आपके पास क्या है, ई, ई यहाँ पर है, 1 2 3 4, तो ई आपके पास
चार हैं एक जैसे, उसके बाद डी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है एक जैसे। तो इस एंड इस टाइप के तीन लेटर हैं, इस टाइप के दो लेटर हैं, इस टाइप के चार लेटर हैं। तो ये जितने टाइप के हैं वो आप वही वाली थ्योरम लग जाएगी जो स्टार्टिंग में बताया है, एक टाइप के इतने हैं, दूसरे टाइप के इतने हैं, तीसरे टाइप के इतने, इसने इतने डिवाइड कर देंगे, ये टोटल अरेंजमेंट आ जाएगी। अब इसके अंदर फिर कंडीशन स्टार्ट हो जाएंगी, क्या कहता है, वो वर्ड्स निकालने हैं जो कि पी से स्टार्ट होंगे। तो आपके पास टोटल आपके पास थे 12, तो यहाँ से पी से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये तो हो गया फिक्स, इसके ऊपर तो कंडीशन लगा दी, यहाँ पर तो पी आना चाहिए। तो बाकी कितनी जगहें बच गई, बाकी जगहें बच गई 11, तो 11 जगहें बच गई, तो उसके पास 11 लेटर बच गए। तो उनको हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, 11 factorial। अब उन 11 में से कौन कौन कितने बार रिपीट हो रहा है, फिर वही आपके पास है N3 times रिपीट हो रहा है, उसके बाद D 2 times रिपीट हो रहा है, उसके बाद E 4 times रिपीट हो रहा है, इतने से आपने डिवाइड कर दिया। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या कहता है, वोवल्स अकर्स टुगेदर, वोवल्स इकट्ठे आने चाहिए। तो इन 12 में से आपके पास वोवल्स आटेंगे, तो इन 12 में वोवल्स है, एक तो आई है और चार ये ई हैं, तो ये इकट्ठे आने चाहिए। तो फिर वही चीज़ है, जहाँ पर टुगेदर वर्ड आएगा वो एक माना जाएगा। तो टोटल थे 12, तो 4 और 1 5 तो ये हो गए, बाकी कितने बच गए 7। तो इन पांचों को ये इकट्ठा आना चाहिए, तो इसको हम मान लेंगे 1, तो 7 ये और 1 ये 8, इन 8 को हम कितने तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, 8 factorial। अब इन 7 के अंदर कौन कितने बार रिपीट हो रहा है, तो इन 7 में डी 2 बार है और एन 3 बार रिपीट है, तो डी 2 बार है और एन 3 बार रिपीट, ये 8 factorial अपॉन में 3 factorial इंटू में 2 factorial। अब ये इकट्ठे होने चाहिए, तो ये है कितने 5, इन पांचों को हम आपस में कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, 5 factorial से। अब इन पांचों में भी रिपीट है, इन पांचों में ई आपके पास कितने बार रिपीट है, 4 times, तो उसको 4 factorial से डिवाइड कर देंगे, ये टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, वोवेल्स नेवर कम टूगेदर, कहता है वोवेल्स कभी इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर आपने टोटल अरेंजमेंट निकाल लिए ये, और ये अरेंजमेंट निकाल दिए वोवेल्स इकट्ठे आएंगे। तो क्या कहता है, टोटल अरेंजमेंट में से अगर हम वो अरेंजमेंट घटा दें, कौन से, जहाँ पर वोवेल्स इकट्ठे आएंगे, तो कौन से अरेंजमेंट बच जाएंगे कि वोवेल्स इकट्ठे नहीं आएंगे। तो टोटल अरेंजमेंट ये है, इसमें से हम ये अरेंजमेंट घटा देंगे कि वोवेल्स इकट्ठे आए हुए हैं, तो कौन से बच जाएंगे, वोवेल्स इकट्ठे नहीं आए। उसके बाद क्या कहता है, आपने वो वर्ड्स निकालने हैं स्टार्ट विद आई एंड एंड विद ए पी, आई से स्टार्ट होने चाहिए और पी पर जाकर ख़त्म हो जाने चाहिए। तो वो वर्ड्स निकालो जो आई से स्टार्ट हों और पी पे ख़त्म हों। तो आई भी फिक्स हो गया और पी भी फिक्स हो गया, तो ये स्थान तो फिक्स हो गया, यहाँ पर आई आएगा ही आएगा। लास्ट जो प्लेस है वो भी फिक्स हो गया, स्टार्टिंग वाला प्लेस और लास्ट प्लेस दोनों फिक्स हो गए, यहाँ पर पी आएगा, यहाँ पर आई आएगा। तो बाकी कितने बच गए, 12 थे, तो बाकी बच गए आपके पास 10। इन 10 को हम कितने तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, 10 factorial से। अब इन 10 के अंदर कौन कौन जितने बार रिपीट हो रहा है उसको उतने बार ही हमें डिवाइड कर देंगे। एन आपके पास 3 times है, डी 2 times है और ई आपके पास 4 times है, इतने से डिवाइड कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, ये टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास सर्कुलर परमुटेशन, ये अगली वीडियो के अंदर करवाएंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, 14 मिनट के आसपास की होगी है। तो ये एक्सरसाइज आपने करनी है, ठीक है, इसमें ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरम लगेगी इसका यूज़ करते हुए, और जो पिछली जो कॉन्सेप्ट बताया था वो भी आपके पास परमुटेशन विद रिपीटेशन वाला यूज़ होगा। इनमें से जैसे ये पिछले एक्सरसाइज के उस पिछले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब इसके बाद ये जो आपके पास रिपीटेशन वाले क्वेश्चन थे, इसके बाद ये जो टॉपिक अभी आपको करवाया है, जहाँ पर एक टाइप के एक हैं, दूसरी टाइप के हैं, तीसरी टाइप के हैं, वो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। जो 7 आपके पास हैं, इनमें से एक टाइप के 2 हैं, दूसरी टाइप के भी 2 हैं, तीसरी टाइप के भी 2 ही हैं। जैसे ये आपके पास एक ही टाइप के 3 हैं, दूसरी टाइप के 2 हैं,
तीसरी टाइप के चार एलिमेंट हैं। तो ये इस एक्सरसाइज पे, इनके बाद आपके पास जो कंडीशंस लगते जा रही हैं उन कंडीशंस की तरफ थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।